चीन में एक औरत ने अपने कुत्ते की सालगिरह का शानदार जश्न मनाया अपने पालतू कुत्ते से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आसमान को रोशनियों से भर दिया गया चीनी सूबे हेनान में ख़ातून ने एक टीम हायर की जिसने रात गए आसमान पे ड्रोन से ज़बरदस्त लाइट शो का मुजाहरा किया इस मुनफरद जश्न में शहरीों की बड़ी तादाद शरीक हुई और कई लोगों ने सालगिरह की तकरीब को खूब इंजॉय किया इन ड्रोन्स ने नन्हे कुत्ते को हैप्पी बर्थडे भी कहा और आसमान पे जदीद ड्रोन्स ने इसकी तस्वीर भी बनाई खातून ने इस तकरीब पे लाखों डॉलर्स खर्च कर डाले और इसकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई आजकल चीन के अंदर कोई भी तकरीब हो तो उसे मनाने के लिए जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है लोग किराए पे ड्रोन्स की ये टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं जो आसमान में बड़ी बड़ी तस्वीर और पैगाम दिखाते हैं ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही मुनफरद है इस खातून ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डूडू यानी अपने कुत्ते को जन्मदिन की मुबारकबाद दी ये ड्रोन शो 30 मिनट तक जारी रहा इसमें 28 लाख पाकिस्तानी रुपए से जायद का ख़र्च आया कुत्ते के लिए मुख्तफ़ पैगाम लिखे गए पाँच सौ बीस नंबर से एक पैगाम भी काफ़ी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा और दुनिया भर के सोशल मीडिया सार्फिन पाँच सौ बीस का मतलब ढूंढने में भी लगे हैं लेकिन कदीम चीनी ज़ुबान में पाँच सौ बीस का अदद दरअसल आई लव यू कहने के लिए इस्तेमाल होता था यानी खातून ने जानबूझ के पाँच सौ बीस का इंतखाब किया क्योंकि वो इस कुत्ते को आई लव यू इंतहाई कदीम ज़माने के कल्चर के मुताबिक कहना चाहती थी जहां आसमान पे ड्रॉन शो हो रहा हो वहीं नीचे डूडो भी तैयार होके केक के साथ स्टाइल में खड़ा था इस मेहमान